तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल हैशटैग टेक्निकल गेमर हैशटैग पार्थ में। आज का हम ये वीडियो बना रहे हैं विच वुड बी द फर्स्ट 5G स्मार्टफोन इन इंडिया। दोस्तों टेक्नोलॉजी के स्मार्टफोन में तो आजकल रेस जैसे एक रेस लग चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा 5G नेटवर्क अब तक आने का है, बिल्ट इन होने का है इंडिया में, पर स्मार्टफोन नेटवर्किंग ने 5G फोन्स बनाना शुरू कर दिया है और जल्द ही लॉन्च भी होने वाले हैं। तो विच वुड बी द फर्स्ट 5G स्मार्टफोन कमिंग टू इंडिया, यह आप सभी का एक बड़ा सवाल होगा। आप इस स्क्रीन पे कुछ फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, ये Realme X50 की कुछ फ़ोटोज़ लीक हुई है। ये कुछ फ़ोटोज़ है Realme X50 की, ये कह रहे हैं कि इनका फ़ोन होगा 24 फ़रवरी को लॉन्च। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला, ये लीक हो चुका है बाहर कि Realme X50 24 फ़रवरी को लॉन्च होगा इंडिया में और सेल में भी 2 दिन में आ जाएगा। इसके बाद एक नया ब्रांड आ रहा है दोस्तों बाहर, iQOO Vivo की तरफ से, जिसमें विराट भाई ने, विराट कोहली द इंडियन टीम कैप्टन, हैज मेड एन पेड पार्टनरशिप विद iQOO Vivo। iQOO 3 फ़ोन का नाम रहेगा। Realme X50 24 फ़रवरी को लॉन्च होगा इंडिया में। तो आते हैं iQOO 3 की तरफ, ये भी एक 5G स्मार्टफोन है। आपको जैसे मालूम है सभी फ़ोन नेटवर्क्स में एक रेस लग चुकी है कि विच वुड बी द 5G स्मार्टफोन फर्स्ट कमिंग टू इंडिया। तो Vivo ने उनकी तरफ से iQOO 3 एक ब्रांड iQOO सीरीज़ बना ली है और उसमें iQOO 3 लॉन्च कर रहे हैं। ये कुछ इसके इमेजेस हमें मिले हैं जो सामने आए हैं। दिस वुड बी द फ़ोन कमिंग टू इंडिया फर्स्ट, पर दोस्तों इन्होंने भी डेट बता दी है, एक डेट इन्होंने लॉन्च कर दी है। इनका कहना है कि ये 25 फ़रवरी को लॉन्च होंगे, तो मतलब फिर Realme X50 ही पहला है। पर दोस्तों इस बात पे ऐसे बोल दिया iQOO 3 ने कि हम 25 फ़रवरी को लॉन्च करेंगे क्योंकि Realme X50 24 फ़रवरी को हो रहा था, उसके एक दिन बाद में आया, इसका मतलब Realme सबसे पहले लॉन्च होगा इंडिया में। पर दोस्तों एक कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि आप सभी को मालूम पड़ेगा कि Xiaomi भी एक अच्छी कंपनी है स्मार्टफोनिंग नेटवर्क्स में। तो Xiaomi की तरफ से क्या है? तो दोस्तों जैसे कि Realme X50 ने बोला हम 24 फ़रवरी को लॉन्च करेंगे और iQOO की डेट 25 फ़रवरी है, पर Xiaomi की तरफ से एक मेन मैसेज आता है कि Xiaomi ने ऐसा कुछ टेक्स्ट किया है जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और पूरा डिटेल में उसको बताऊंगा। तो दोस्तों Xiaomi बोल रहे हैं कि उनका पहला 5G फ़ोन इंडिया में जो होगा वो होगा मी मिक्स अल्फ़ा, जो कि वो बेंगलोर में लॉन्च करेंगे कल। हाँ दोस्तों कल, क्योंकि Xiaomi बोल रहे हैं कि इनका फर्स्ट 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा कल। पर आप कैसे कह सकते हैं कि ये फर्स्ट इंडिया का स्मार्टफोन रहेगा क्योंकि सेल में तो नहीं आ रहा है? इनका बस कहना है कि हम इंडिया में बेंगलोर में ये फ़ोन दिखने के लिए लोगों के लिए रहेगा। मतलब ये थोड़ी हंसी जैसी बात है Xiaomi की तरफ से। मतलब ये लोग ना रेस में इतना लग पड़े हैं कि फर्स्ट इंडिया 5G स्मार्टफोन कौन सा रहेगा, तो Xiaomi तो बोलता है हम कल ही लेके आएंगे, पर ये बेंगलोर में बस एक व्यू रहेगा इस फ़ोन का बाकी लोगों के लिए और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि हमारा स्नैपड्रैगन कितना है, प्राइस कितना है, तो कैसे हुआ ये फर्स्ट स्मार्टफोन। तो दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि फर्स्ट इंडिया फर्स्ट 5G स्मार्टफोन रहेगा क्योंकि इनका कहना है बस ये शो पीस दिखा रहा है, पर जो Realme और iQOO के बारे में बात हो रही है ये लॉन्च के बाद 2-3 दिन में सेल में फ़ोन आ जाएगा। मतलब हम Realme X50 को अभी इंडिया फर्स्ट 5G स्मार्टफोन कह सकते हैं। Xiaomi की तरफ से ये आप Mi Mix Alpha देख सकते हैं जो कि स्क्रीन इसकी फ्रंट में बैक में, इस पर मैंने एक वीडियो इसके पहले ही बना लिया था दोस्तों, एक्सप्लोर द फ्यूचर बोल रहे हैं, पर ये अभी बेंगलोर में कुछ ऐसा ही सीन रहेगा इसका, मुझे पता है फ़ोन सेल में नहीं आ रहा है क्योंकि फ़ोन्स दोस्तों बनने के भी होंगे इंडिया के लिए। चाइना में तो अभी कोरोना वायरस का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। Realme X50 भी वहाँ पर लाइव लॉन्च करने वाला था पर अभी वर्चुअल लॉन्च होगा Realme की तरफ से X50 का, क्योंकि चाइना में कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो Mi Mix अल्फ़ा भी चाइना में सेल हो चुका है 2 लाख में, इंडिया में आएगा तब आ जाएगा 250 तक आ जाएगा, पर बहुत प्राइस लग रही है, 2-2.5 लाख ऐसे कुछ प्राइस रहेगा। बट भी लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि हम इसे खरीदे, थोड़ा अलग फ़ोन है बराबर, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। पर इनका कहना है कि हम कल ही लॉन्च कर रहे हैं और ये होगा, इन्होंने कैप्शन भी डाल दिया है हैशटैग फर्स्ट इंडियाज 5G फोन। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आप लॉन्च कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं तो इंडिया का फर्स्ट
5G फ़ोन हो गया। नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते दोस्तों। मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया का फर्स्ट 5G फ़ोन रहेगा। जो फ़ोन सच्ची में लॉन्च हो रहा है और 2-3 दिन बाद सेल में आ रहा है, मुझे तो वही फर्स्ट इंडियाज़ 5G फ़ोन लगता है। जैसे कि अभी Realme X50 बोल रहा है कि 24 को लॉन्च करेंगे और iQOO बोल रहा है 25 को। तो अभी Realme 24 को लॉन्च हुआ तो हम कह सकते हैं कि, तो फिर हम बोल सकेंगे कि Realme X50 इंडियाज़ का फर्स्ट 5G स्मार्टफोन रहेगा। जो कि अभी आपको स्क्रीन पे ये फ़ोन दिखेगा, ये है Realme X50। कुछ फ़ोटो जैसे बाहर आई है, ड्यूअल पंच होल कैमरा सामने दिख रहा है। जब लॉन्च होगा दोस्तों, तब फुल डिटेल्ड वीडियो इस पर भी आएगा। तो दोस्तों, मुझे तो अब तक के लिए, जैसे कि Realme उनकी डेट 24 फेब बताई है और iQOO 25 फेब बता रहा है, तो 24 फेब मतलब iQOO से पहले भी लॉन्च हो जाएगा Realme X50। तो फिर हम Realme X50 को इंडियाज़ फर्स्ट 5G स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो फिर अगर जो फ़ोन फर्स्ट लॉन्च होगा इंडिया में, और लॉन्च ही नहीं दोस्तों, हम लॉन्च ही नहीं कहेंगे, जो फ़ोन फर्स्टली लॉन्च होगा और लॉन्च होने के बाद वो आपको सेल में मिलेगा, आपको उसकी फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है लॉन्च होने के बाद, और कल परसों वो सेल में आ जाएगा 2 दिन में लॉन्च से, तो फिर दोस्तों हम उस फ़ोन को इंडियाज फर्स्ट 5G स्मार्टफोन कह सकते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल के वीडियो में बस इतना ही। वैसे मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि इंडिया का फर्स्ट 5G कौन सा रहता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। वंदे मातरम। लेट्स सी इंडियाज फर्स्ट 5G स्मार्टफोन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।